अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो आज है जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 का एंट्रेंस हो चुका है यार। उसके बताऊंगा मैं आपको आंसर्स इस वीडियो के अंदर दोस्तों। सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है अपना, बेचैनी होगी उनके अंदर कि हमारे कितने सही कितने गलत, आपको इस आंसर की से सारा पता चलने वाला दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो लोग अलीगढ़ का 9th का एंट्रेंस देना चाहते हैं, मैं टेस्ट सीरीज करवाऊँगा तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, आप मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। सो पेपर में पहला सवाल आपको आया था यहाँ पर, द गैप बिटवीन द दोस्तों इसको बोलते हैं एस्ट्रोवाइड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों बल्ज पार्ट ऑफ द आई, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्निया। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कॉर्निया। तो तीसरा सवाल पर चलते हैं, थर्ड का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, इसका आंसर होगा लार्ज हार्वेस्ट, दोस्तों इसका आंसर होगा कंबाइन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इसका आंसर होगा लार्ज साउंड। दोस्तों अगले सवाल पर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, इसका आंसर दोस्तों पॉलीथीन। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, इसका आंसर होगा जिंक। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा सारे सिंथेटिक फाइबर हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकलाइट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं अब, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, इसका आंसर होगा ड्रिप सिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके पे, द बीम ऑफ लाइट स्टैकिंग, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट सवाल का आंसर पे चलते हैं अब, इसका आंसर होगा पॉप साउंड, ये होता है हाइड्रोजन गैस का होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा आपको आया था, सेल मेम्ब्रेन, सेल विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेलिंग गलत है ये। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा टफ पोरस एंड ब्लैक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसका आंसर होगा कोक। सो नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं इसमें दोस्तों, इसमें से कौन सा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका आंसर होगा क्लोरीन, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अब, जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होगा इसका आंसर, पूरा लगा देता हूँ। उससे नेक्स्ट सवाल आया था, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, इसका आंसर होगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, बर्निंग कोल इज इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, मर सकता है इससे आदमी। उससे नेक्स्ट सवाल होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका आंसर होगा ब्रोमीन। उससे नेक्स्ट सवाल आपको मिला था यहाँ पर, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ड्रैग। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ईस्ट इज इन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था 21, छौर छौर मूवमेंट, उससे ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं, यहाँ सवाल दोस्तों आया था, पिसीकल्चर डील्स विद फिश। तो नेक्स्ट सवाल आया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस बर्ड सेंचुरी, तो भरतपुर सेंचुरी है। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपको आया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय जेम्स मिल। तो नेक्स्ट सवाल था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। सो अगला सवाल दोस्तों आया था आपको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगैन फ्रॉम मेरठ, इसका आंसर मेरठ होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो नेक्स्ट सवाल था दोस्तों आपके लिए, इसमें से हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी, इसका आंसर होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था इसमें से, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर 1829। सो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। सो नेक्स्ट सवाल था, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू, इसको बोलते हैं दोस्तों माइग्रेशन। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, 35, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल मिलाते रहिए अपने आंसर्स।
सेकुलरिज्म इज रेफर टू एज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. सो नेक्स्ट सवाल 37, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका आंसर होगा. सो नेक्स्ट सवाल आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड की गई थी ये. सो अगला सवाल, हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट, जज. सो नेक्स्ट सवाल था दोस्तों आपके लिए, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये होगा दोस्तों. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये पैसेज आया था, उस पैसेज में चलते हैं जल्दी से. द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी. दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, व्हाट डिड चाइनीज एम्परर डिस्कवर बेनिफिट्स ऑफ टी, इन्होंने डिस्कवर किया था. सो तीसरा सवाल था इसमें, द टी टर्न्स आउट टू बी हेल्दी ड्रिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दोस्तों इसका आंसर होगा कैटेचिन. इसका आंसर दोस्तों ये होगा कैटेचिन होगा, कैटेचिन होगा दोस्तों. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको इसमें था, ग्रीन टी लीव्स ऑफर मैक्सिमम हीलिंग पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फर्मेंटेड. दोस्तों ड्रिंक का एक और मतलब होता है बेवरेज, सिनोनिम है दोस्तों इसका ये. एंटोनिम ऑफ सरेंडर इज दोस्तों इसका वो डिफेंड. नेक्स्ट सवाल दोस्तों, द एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरीली, उसका आंसर होगा अनयूजुअली. ओके, ऑर्डिनरी होता है आमतौर पर, उसका होगा अनयूजुअली, एंटोनिम पूछा है दोस्तों उसका. Enough or to be, not to be changed, इसका आंसर होगा withstand. सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ मिनिमल, उसका आंसर होगा स्लाइटेस्ट. सो नेक्स्ट सवाल होगा, इन ए केयरफुल एंड कॉशियस वे, उसका आंसर होगा दोस्तों डिस्क्रीटली. सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, का आंसर होगा जुबिलेंट. दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ही इज सर्टेन अबाउट हिज हॉर्स विनिंग द रेस. दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हैव यू एवर सीन एन ऑस्ट्रिच इन अ हाउस, दोस्तों ये इसका आंसर होगा सी. उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, डू यू नो वेयर माई फोन इज, ये आप इंट्रोगेटिव है. उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ई, द टीचर सेड दैट द सन, इसका आंसर सी होगा. सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, मार्था वॉचेज कार्टून एवरी डे, इसका दोस्तों नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा मार्था डज नॉट वॉच, मार्था डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे, दोस्तों ये इसका आंसर होगा. अगला था, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक क्रिटिसिज्म टू हर्ट, इसका आंसर ये होगा. अच्छा सवाल था ये, बच्चे बहुत कम कर पाए होंगे. उससे नेक्स्ट सवाल था, टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, दोस्तों एट द एंड होगा इसका आंसर, द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन. उसमें नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ही इज, इसका आंसर दोस्तों होगा बी, वॉज ही नॉट अ विलन. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज पैसिव वॉइस, द एक्सरसाइज हैड ऑलरेडी बीन डन बाई एस, ये इसका आंसर होगा दोस्तों. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यस्टरडे यू वर नॉट इन द वर नॉट इन क्लास ऑन टाइम. सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, माई पेरेंट्स कुक डिनर, इसका बनाना आप नेगेटिव, माई पेरेंट्स डोंट कुक डिनर, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, डोंट कुक होगा दोस्तों, डोंट कुक होगा, ए होगा इसका आंसर, ये थोड़ी गलती से लग गया, ए होगा इसका आंसर, ये वाला गलत है. सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट, ये इसका आंसर होगा दोस्तों. डिटेरियोरेट का मतलब होता है ग्रोइंग वर्स, ये इसका आंसर होगा ए दोस्तों. चलते हैं नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सा रामानुजन नंबर है, हार्डी 1729. दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब, इसका आंसर होगा डी दोस्तों. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, 68 पे, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, इसका आंसर होगा 5. सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, अ मैप इज गिवन, इसका आंसर दोस्तों होगा 2.2500 किलोमीटर. सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, यहाँ से दोस्तों ज़रा उल्टा हो गया है, सीधा कर लें पहले इसको. सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एबसेंट, दोस्तों कितने प्रेजेंट थे, 75% प्रेजेंट हैं, इसका आंसर ये होगा दोस्तों. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा ए, एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इनटू हाइट. सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स, इसका आंसर होगा एक्स. सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 2, अगर आप इसको उधर ले जाएंगे, इसका आंसर दोस्तों आएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा 7th, वन अपॉन 7 माइनस का हो जाएगा 3, 2, इसका आंसर दोस्तों 2 होगा, देख लीजिएगा 2 या -2, लेकिन 2 होगा इसका आंसर.
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? इसका आंसर होगा सी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर 75 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था कार्ड्स आर मार्क्ड, उसका आंसर होगा दोस्तों 12/25। सो नेक्स्ट सवाल था व्हाट विल बी द एक्स, इसका आंसर होगा 10। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, दोस्तों ये इसका आंसर आया था इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, हमेशा ऑड नंबर आएगा। क्यूब एफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन, इज इसका आंसर होगा डी। अगर आप यहाँ देखेंगे कह रहा है कि एन क्यूब बराबर, क्योंकि इसमें एक में होता है एन क्यूब बराबर एन स्क्वायर, वैसे तो नहीं होगा लेकिन वन में ऐसा होगा इसका स्क्वायर क्यूब दोनों बराबर होंगे, तो मे बी इसका आंसर डी होगा कि यहाँ अगर वन कर लें तो दोनों बराबर आ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा 750। सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब द डिफरेंस, दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, उसका आंसर होगा 8%। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, यहाँ पर आपको 82 सवाल जो आया था इसमें से कौन सा टर्म है जो कि कांस्टेंट नहीं है, दोस्तों एक्स और वाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वन जो है वो कांस्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था दोस्तों आपके लिए, इनमें से क्या ऐड किया जाए जो ये आ जाए, तो ये इसका आंसर होगा एक्स माइनस टू वाई। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था, बल्कि ये आपका हो जाएगा माइनस, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा, सी वाला गलत है, बी होगा इसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था द इक्वेशन, इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द वर्टिकल कट, उसका आंसर होगा, इसका आंसर दोस्तों होगा रेक्टेंगल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, उसका आंसर होगा 3। ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसका आंसर होगा 3। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर टू डाइस, उसका आंसर होगा 8, इसका आंसर 8 होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था द डिफरेंस बिटवीन, उसका आंसर होगा 4:9। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था द ब्रेथ, दोस्तों इसका आंसर होगा 16, 8 एंड 4। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ये हो जाएगा 5.2×10⁸। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द वैल्यू, इसका दोस्तों वैल्यू होगी माइनस का 2, इसके लिए -2 होगी दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा 25 डेज, ये आपके इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका आंसर दोस्तों होगा बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द पॉइंट -4, इसमें एक्स है -4 है, वाई -3 है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था ना इनमें से कौन सा फायर कंट्रोल कर देगा CO2, फोर्स चेंज, तीनों होंगे इसका आंसर, शेप स्पीड सब चेंज कर देता है फोर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एड्स करता है, तो वायरस। दोस्तों नेक्स्ट है आपका इसने के फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था लुईस पैस्टर। दोस्तों लास्ट सवाल है के लिए हु विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट, इसका आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। दोस्तों ये मैंने आपको बताया सारे 9th के आंसर, सारे ऑलमोस्ट सारे आंसर ठीक हैं, एक आधे इधर उधर हो तो देख लीजिएगा, तो होगा नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।